अच्छा चलो दोस्तों, आज अपन देखते हैं अपनी टाटा हैरियर को अपन ने किस तरह से कैंपिंग वैन में कन्वर्ट किया, जिसमें किचन भी है, बेड भी है और टेंटिंग टेंट का सामान भी है, सब सामान रखने के बाद 5 सीटर गाड़ी भी है। ये अपन ने सबसे पहले मेन कंपार्टमेंट को रखा है इसके अंदर, जिसमें अपना सारा दो ड्रॉअर लगेंगे, इसके ऊपर फिर बेड लगेगा और नीचे वाले कंपार्टमेंट में अपने भारी सामान जो भी है वो सब रखे जाएंगे। अब इसके बाद ड्रॉअर लेके आते हैं। सीट अभी भी अनफोल्डेड है, आगे 5 आदमी बैठ सकते हैं और पीछे ये अपना पूरा किचन वाला सेटअप है। ऊपर ड्रॉअर लगेंगे एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, और नीचे अपना इसमें जो भारी सामान है, राशन का सामान है, बर्तन का सामान है, वो रखेंगे अपन, और ऊपर अपना जो भी हल्का सामान है वो सामान रखेंगे, जिसमें चाय का सामान, मैगी, अंडे। ये अपना एक ड्रॉअर लगा दिया अपन ने, इसमें 2 कंपार्टमेंट है, इसमें भी अपने एक ये एक ऊपर वाला चॉपिंग प्लेट के तौर पर अपन यूज़ कर सकते हैं, इसको बाहर निकाल के इसके ऊपर सब्जी काट सकते हैं। ये अपना मेन कंपार्टमेंट जिसमें अपन को गैस चूल्हा रखा जाएगा, तो इसमें 2 कंपार्टमेंट है, एक नीचे है एक ऊपर है। ऊपर वाले में अपन गैस चूल्हा रखेंगे, यहाँ पे सेट कर देंगे इसको इसी की तरह। अब अपन बेड लगाते हैं इसके ऊपर। ये बेड लेके आए हैं अपन, बेड को इसके ऊपर रख दिया। इस बेड के ऊपर 2 एडल्ट बहुत आसानी से सो सकते हैं, और साथ में बच्चे भी हों तो वो भी आसानी से सो सकते हैं। ये फोल्डिंग में बेड है। अभी अपना पूरा किचन का पीछे का सेटअप कंप्लीट हो गया है। अब अपन को यदि सोना है तो अपन सीटों को अनफोल्ड करेंगे, जैसे कि अपन कर रहे हैं। ये सीटें अनफोल्ड कर दी अपन ने, दोनों सीटों को अनफोल्ड कर दिया। अब बेड को अपन पूरा फुल लेंथ में, जो कि अपनी 6 फिट 3 इंच का है, इसको खोल लेंगे। और बेड को खोलने से पहले बेड के हमने सपोर्ट तैयार कर रखे हैं, जिससे कि बेड नीचे ऊपर नीचे की तरफ इसमें मूवमेंट नहीं हो, सपोर्ट मजबूत रहे। सोने के बाद आपको ऐसा नहीं लगे कि अपना बेड हिल रहा है। ये बेड को अपन उठाएंगे। ये 2 सपोर्ट अपन ने लिए हैं, जो अपन ने फ्रेम बनाया था लकड़ी का, उसमें 2 बोल्ट लगा के इसको इसमें फिक्स कर देंगे। रिमूवेबल है, जब बैठना होगा तो इनको उठा लेंगे, और जब अपन को सोने का किसी की इच्छा करेगी पीछे वाले पैसेंजर की, तो अपन इसको एज ए स्लीपर क्लास बना के इसमें आराम से रेस्ट कर सकते हैं। ये 2 सपोर्ट लगा दिया। अब इसको एक पाइप का सपोर्ट दे देंगे, जिससे कि ये नीचे की तरफ इसको पूरा सपोर्ट मिल जाए। बेड को अपन ने आगे शोल्डर वाले पार्ट पे विड्थ ज़्यादा रखी है, गाड़ी की भी आगे की तरफ विड्थ ज़्यादा थी, तो हमने एक्स्ट्रा वाइडनिंग के लिए ये 6-6 इंच के दोनों साइड एक्सटेंशन लगवाए हैं। उस इन एक्सटेंशन को अपन किस तरह से सपोर्ट देंगे वो भी अभी आपको दिखाते हैं। ये अपने पाइप का सपोर्ट है, जो कि लाइट वेट में होता है, इसलिए इजी टू कैरी होता है, इजी टू हैंडल होता है, इजी टू। ये एक दूसरा सपोर्ट लगा दिया। अब इस बेड को अपन खोल देंगे। ये अपने साइड वाले जो 6-6 इंच के 2 सपोर्ट हैं, जिससे कि अपना बेड 3.5 फीट से 4 फीट के बीच में 4 फीट का बेड बन जाता है, यूँ फोल्डिंग दोनों साइड से अनफोल्ड करने के बाद। अब इनको अपन नीचे की तरफ खोल रहे हैं, इनमें छोटे सपोर्ट लगेंगे, जो कि नीचे सीट के जो फोल्डिंग अनफोल्डिंग के बोल्ट लगे होते हैं वहाँ इसको सपोर्ट देंगे, वो भी आपको दिखाते हैं कैसे लगाएंगे। यहाँ काफ़ी स्पेस है, नीचे भी स्पेस है, अपनी टेबल रख दें, छोटा मोटा सामान रख दें, या सामने की तरफ बैग वैग रख देते हैं हम जब अनफोल्ड कर लेते हैं, तब इसमें भी काफ़ी सामान आ जाता है जो अपन ने टेबल परचेज़ कर रखी है, चेयर्स परचेज़ कर रखी है, उन चेयर्स को इसके सीट के और इस बेड के बीच में रख सकते हैं आराम से। इमरजेंसी में लोहे की रोड भी बहुत काम आ सकती है। ये हमारी टीम है,
ये छोटे वाले जो एक्सटेंशन हैं इनके सपोर्ट हैं 6-6 इंच के, जो हमने प्लास्टिक के ही बनवाए हैं, जिसको गाड़ी की साइड वाले पॉकेट में रख देते हैं। ये है देखो, ये लॉक्स हैं, ये 3 ड्रॉअर हैं। हम दरवाज़ा खोल के आपको दिखाते हैं कि नीचे वाले साइड वाले सपोर्ट किस तरह से वर्क करते हैं। तो अपनी तैयारी हो रही है अब लद्दाख जाने की। अप्रैल में लद्दाख करेंगे, मौसम ख़राब रहता है अप्रैल में वैसे। ये अपन ने साइड सपोर्ट दे दिए, पहले इन सपोर्ट्स की जगह हम कुशंस लगाते थे। कुशन लगाने के बाद अंदर सामान रखने के लिए स्पेस नहीं होती थी, इसलिए ये सपोर्ट हमने अब चेंज किए हैं। और लोहे की रोड थी, वो भी पहले लोहे की रोड ने लगा के हम यहाँ पे कुशन से लगाते थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कितना खर्चा आया, कितने टाइम में बना। इसको बनाने में 4 दिन लगे और मॉडिफिकेशन टाइम टाइम पे भी किए हैं इसमें अपन ने। इसको टोटल खर्चा किया इसके ऊपर अपन ने लगभग 21,000 रुपये के करीब। 21,000 रुपये में बेड, किचन सेटअप, इसके गद्दे सब तैयार हुए हैं। और इतना कोई ज़्यादा पैसा है नहीं है। यदि एक ट्रिप अपन जाते हैं इसके सेटअप के साथ, एक ट्रिप में सारा पैसा वसूल हो जाता है। और ये हम पिछले 6 महीने से आराम से यूज़ कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई सेटअप में, बस समय समय पे मॉडिफिकेशन किया है। जैसे कि ये छोटा मॉडिफिकेशन मैंने किया, पहले यहाँ पे कुशन थे, अब छोटा सा पाइप दे दिया जिससे अंदर सामान रखने के लिए जगह निकल के आ गई। तो भैया यदि सेटअप अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा।